अच्छा जी, हेलो एवरीवन। आज हम लोग सब चीज़ों से फ्री हो गए, मींस सारे फंक्शन निपट गए, और मेहंदी का फंक्शन निपट गया, बारात निपट गई, वलीमा निपट गया कल, और बहुत थकन हुई हुई थी। तो आज सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, नहाए धोए, अब हम लोग थोड़ा पार्क में निकले हैं कि पार्क में जाएं और थोड़ी वॉक हो जाएगी। सो अब पार्क चल के आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये पार्क का व्यू है, ये एक मस्जिद है, ठीक है, और ये पार्क का व्यू है। मैं कल पार्क आई थी बट वो देखा ही नहीं, सो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि फंक्शंस भी थे, हम थके हुए थे काफ़ी, और ज़ाहिर सफ़र की भी अच्छी खासी है थकन भी। सो अब पार्क चलते हैं। यहाँ पर ना छोटा सा एक केज टाइप का, केज तो नहीं है, नेस्ट टाइप का बना हुआ है। सो उधर सारे पिजन्स हैं, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ बड़े बड़े हसीन सा बना हुआ है। इधर बाजरा वाजरा लोग डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंदर अंधेरा है बट फिर दिख जाए। देखो पिजन्स हैं, अलग अलग किस्म के हैं। जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, ये इसका मेन है। ये देखो एक चेयर्स टाइप की बनी हुई है, मगर उस पर बैठते हुए तो हर कोई डरेगा। ये देखो गार्डन की बहुत अच्छे से मरम्मत हुई है, मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है इसको बहुत ज़्यादा। मतलब एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि जो फ्लावर्स हैं ना, वो कोई प्लग आउट करके नहीं लेके जाता। मतलब कराची में तो बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, तो और आई रियली थिंक्स कि आपके ऊपर डंडा होना चाहिए। जब तक आपके ऊपर डंडा नहीं होता ना, आप लोग रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर गेंदे के फूल लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के। ये थोड़ा रेड वाला, रेड नहीं, येलो ऑरेंज टाइप का गेंदा है। और यहाँ पर ये ग्रास की कटिंग वगैरह बहुत मज़े की हुई हुई है। ये सारे ट्रीज, और ये देखो ये ऑरेंज वाला गेंदा है, ये येलो वाला गेंदा है। बड़े मज़े के फ्लावर्स लगे हैं, मतलब और कोई प्लग आउट करके लेके भी नहीं जा रहा है इनको। ये देखो ये एक ट्रैक बना हुआ है, और ये बहुत मज़े का ट्रैक है, मतलब अच्छा लग रहा है। फ्रेशनेस, मतलब ग्रीनरी देखकर वैसे ही इंसान को ना बड़ी फ्रेशनेस आ रही होती है कि बिल्कुल ना। ये देखो ये रोड चल रहा है, आगे और भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, मोस्टली यहाँ गेंदा लगा हुआ है, शायद गेंदे का सीज़न है इसलिए। रोज़ेस वगैरह मुझे इतने नहीं दिखे, ये वाला पता नहीं कौन सा फ्लावर है। ये देखो और आगे थोड़े से झूले वूले लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो ये छोटा सा वो है ट्री, और अब मैं आगे के ट्रैक पे लेके चलती हूँ। ये देखो ये रास्ता बड़ा मज़े का यार, मतलब आई सीरियसली लाइक दैट। ये देखो आगे थोड़े से झूले हैं कि अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप उनको इस झूले में लगा दो, खुद आराम से वॉक शॉक कर लो। ये देखो मैं हिल बहुत रही हूँ शायद, राइट। ये देखो एक झूला ये है, थोड़े दूर है, मैंने कैमरा करीब किया हुआ है, मुझे बहुत तक देर तक चल के जाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में इस तरह का पार्क आपको मिल जाना तो सीरियसली गनीमत है। ये देखो फुल फ्रेशनेस से भरा हुआ पार्क है, और यहाँ पर गार्डनर काम वाम कर रहा है, और ये झूले वूले लगे हुए हैं, राइड्स हैं छोटी मोटी सी ताकि बच्चे बहल जाएं। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये राइड्स देख के ना अपना बचपन बहुत याद आता है। मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे कि घर के पास ना एक पूरा प्ले एरिया टाइप का बना हुआ था, सो वहाँ पर ना कॉइन्स मिलते थे 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के। तो ज़ाहिर है हमारे बचपन की बात है, वो थोड़ी 20-25 साल पुरानी बात है। सो ये देखो ये बेंच बनी हुई है,
हाँ तो वो हमें मिलते थे पैसे और हम लोग जाके राइड इंजॉय करते थे, मतलब और ऐसे लगता था कि जैसे बहुत कुछ हो गया, मतलब वीकेंड्स पे हम लोगों के होते थे मंथली टेस्ट टाइप के ना, तो मंथली टेस्ट पे मम्मी बोलती थी मंथली टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आया मैं तुम्हें मंथ में दो दफ़ा वहाँ ले भेजूँगी ना, तो हम लोग अच्छे से पढ़ते थे, तैयारियाँ करते थे कि रिज़ल्ट अच्छा आना है। अब बच्चों को वैसे सहूलतें हमसे ज़्यादा मिली हुई हैं सो वो इतना नहीं करते फोकस, आई रियली थिंक दैट। हम लोग बहुत छोटी छोटी सी खुशियों में भी खुश हो जाते थे, लेकिन अब के बच्चे भाई डिजिटल बच्चे हैं। अच्छा जी ये देखो ये बड़े मज़े की बनी हुई है, किसी को धूप वूप सेकनी हो, ये देखो ये मेरे भाई और मामा थक गई हैं ये बैठे हुए दोनों, बट मुझे पार्क का ओवरव्यू देना था तो मैं बैठ नहीं पाई। ये देखो ये गेंदे के फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम लोगों ने घूमने का भी प्लान किया है, मैं वो भी व्लॉग पूरा आपको बनाकर दिखाऊंगी। आज मैंने सोचा पार्क जा रहे हैं तो पार्क का ओवरव्यू आपको देना चाहिए। ये EME सोसाइटी है डिफेंस में, सो वहीं घर है रिलेटिव्स का हमारे, सो वहीं रह रहे हैं हम, सो वहीं की चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके बता रही हूँ। ये वाला फ्लावर देखो कितना हसीन, मतलब कैमरे में माइट भी इतना हसीन ये नहीं लग रहा हो, ये साइड से रेड है और बीच से ऑरेंज है, मतलब बहुत क्लास का लग रहा है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लेट मी नो, फॉर मोर सच वीडियोज़ ये डू लेट मी नो क्या होता है भाई। अच्छा फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।